नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज हम जलगांव के आरटीओ दफ्तर के सामने खड़े हैं और आरटीओ दफ्तर के आसपास आरटीओ में पब्लिक को जो काम करने में हेल्प होती है उसके लिए कुछ लोग रहते हैं जिन्हें लोग आरटीओ एजेंट कहा करते हैं। वो एजेंट्स रहते हैं जो अपनी फीस लेकर लोगों के सरकारी काम को अच्छे से समझा कर उनको काम करवा के देते हैं। ये लोग आरटीओ कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे बैठा करते हैं। सड़क के दोनों तरफ ऐसा हुआ करता था। पहले आरटीओ दफ्तर के अंदर प्रीमाइसेस के अंदर ये लोग बैठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे साहब आते हैं वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाती है। सरकार आती है तो नियम बदलते हैं। इसी तरीके से जब आरटीओ दफ्तर का सरकार बदलता है, सरकार वहाँ की जब बदल जाती है, कोई नया अधिकारी आता है तो अधिकारी अपने हिसाब से नियम बना देता है और उस नियम के तहत अब एजेंट्स को सड़क के मतलब उनके प्रीमाइसेस के बाहर काम करना था। आरटीओ दफ्तर के ठीक सामने अपोजिट साइड में बहुत बड़ी खुली जगह है जो महानगर पालिका की है और इस जगह के ठीक पीछे एसपी साहब का बंगला है। ये जगह खाली पड़ी है, आप यहाँ पे देख पाएंगे तो अमृत योजना से जुड़े हुए पाइप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं काफ़ी जगह पर। सरकारी ज़मीन का इस तरीके से इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है और यही इस्तेमाल यहाँ पर आरटीओ एजेंट्स भी कर रहे थे। आरटीओ एजेंट्स यहाँ पर अपने गाड़ियाँ लगाकर उसमें अपना इक्विपमेंट रखकर अपना काम कर रहे थे, पब्लिक की हेल्प कर रहे थे, 2 रुपए कमा रहे थे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में रोज़गार शून्य हो चुका है, लोगों को खाने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ रही थी। एक समय ऐसा आया था जब किसी के पास पैसे नहीं रहा करते थे तो जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जैसे लोग भंडारा चला रहे थे और रोज़ाना लोग वहाँ से खाना खा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में कुछ दिनों के बाद सरकार ने सब कुछ धीरे धीरे शुरू किया, आरटीओ कार्यालय भी शुरू हुआ, एजेंट्स भी यहाँ पर आए। अभी अचानक गुरुवार को मनपा के उपायुक्त साहब यहाँ आते हैं और इन पर कार्यवाही करते हैं, इनके सामान को जमा करते हैं, इनको यहाँ से हटने के लिए कहते हैं। अभिषेक पाटिल जो राष्ट्रवादी के हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, आयुक्त से चर्चा होती है और आखिरी में हल ये निकलता है कि इनका सामान इनको जो जुर्माना है वो देकर वापस कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने जुर्माना भरा और अपना सामान उनसे वापस लिया। शर्त यही थी कि अब यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे काम, यहाँ पे धंधा नहीं होगा। एक ओर सरकार कहती है कि रोज़गार दो, रोज़गार बढ़ाओ, और दूसरी ओर सरकारी अधिकारी रोज़गार घटाते हैं। जो लोग स्वयं रोज़गार कर रहे हैं, 2 रुपये कमा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और हटाया किस लिए जा रहा है, किस नाम पर हटाया जा रहा है, तो अतिक्रमण के नाम पर। मैं खुले तौर से ये कहना चाहूँगा कि जलगांव शहर में सिर्फ यही नहीं, जलगांव शहर में बहुत सी जगह पर बहुत बड़े बड़े अतिक्रमण हैं। तो फिर इस अतिक्रमण को हटाने का सिर्फ क्या फ़ायदा? जितने आपने यहाँ हटाया है तो आप सभी जगह के अतिक्रमण हटाएं। जितनी भी अतिक्रमण जलगांव में है, जलगांव शहर में, वो सभी हटाने चाहिए। जलगांव शहर में काफ़ी सारे व्यावसायिक इमारत मतलब जो मॉल्स शॉप्स बने हुए हैं, मनपा के ठीक सामने भी मॉल हैं, मनपा के ठीक पड़ोस में भी शॉप्स हैं, 3 मंजिला शॉप्स बनी हुई है लेकिन बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान बनी हुई है। इसको कब हटाएंगे आप लोग? अगर रोज़गार यहाँ पर जो एजेंट्स बैठते थे, मैं काउंटिंग तो नहीं जानूंगा लेकिन ये कह सकता हूँ कि 100 से 150 लोगों का रोज़गार जो है वो गिर गया, वो ख़त्म हो गया। उनके परिवार जो हैं वो अब इस चिंता में रात भर सो नहीं रहे होंगे कि हम खाएंगे क्या। यहाँ पर हमारे साथ एजेंट्स बंधु हैं जो आज खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ लगा करती थी, यहाँ पर लोग अपना काम किया करते थे, यहाँ पर एजेंट्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि परेशानियाँ क्या है और क्या क्या और क्यों हुआ। आपका नाम? राजेंद्र पटेल। क्या माहौल है यहाँ पर, क्या हुआ क्या है? सर यहाँ पे उपायुक्त साहब आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमने उनको अर्ज दे के आए वहाँ पे। सर हम कुछ यहाँ पे करते ऑनलाइन का काम करते हैं, यहाँ पे सब पीछे होकर सबसे दूराई पे काम करते हैं कि इसको कोरोना पर कोई ये नहीं होगा, इससे हम काम कर रहे हैं। और हमारे पे आके उन्होंने कल के दिन आके यहाँ पे गाड़ियाँ उठा लिया, सामान उठा लिया हमारा,
हमको जे जिनका अगर कुछ काम करने सिर्फ संगठन में जब ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करते गाड़े लगा के अने कोरोना के इतने दिन से हमारी भूख मारी मर रही थी वो रहा था। अभी सब बेरोजगार हो गए, अभी क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? सर सबसे पहले तो मैं आप तक के माध्यम से सभी जनता को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर ना ही कोई एजेंट है ना ही आरटीओ प्रतिनिधि है। हम लोग यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं सारे के सारे सुशिक्षित बेरोजगार नवयुवक है। आज आरटीओ की कार्यप्रणाली जो कि ऑनलाइन हुई है, गत 4 वर्षों से ये ऑनलाइन हुई है। परिवहन विभाग, केंद्र सरकार के परिवहन विभाग ने इसको ऑनलाइन करने के बाद में एक सुशिक्षित बेरोजगार जो नवयुवक थे उनके मन में एक आस जगाई कि ये ऑनलाइन होने के माध्यम से आप लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पन्न होगा, बढ़ा होगा और उसी के साथ में सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उस माध्यम को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर में हम लोग काम कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर जो भी बच्चे काम करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके देते हैं, मोटर गाड़ियों का इंश्योरेंस बना के देते हैं या PUC बना करके देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर में किसी भी किस्म का काम नहीं होता है, ना ही हमारी वजह से यहाँ पर में किसी को हम दिक्कत पैदा करते हैं। उतनी हम सभी को यहाँ पर में उतनी संवेदनाएँ हैं और इस बात की हमको पूरी तरह से मालूम भी है कि ये जो जगह है ये महानगर पालिका की मालकी की है, ना ही इसके ऊपर हमारा कोई मालकाना हक है। जिस वक्त भी जलगांव शहर को सुंदर बनाने के लिए महानगर पालिका इस जगह का उपयोग करना चाहेगी उसके एक दिन पहले या उसी दिन हम लोग यहाँ से स्वखुशी से निकल जाएंगे। इस तरह से हमने RTO साहब को भी आयुक्त साहब को हमने एक निवेदन दिया था, इसके अंदर हमने एक दरख्वास्त की थी कि इस विषय के ऊपर में ज़रा विचार करके हम जो सुशिक्षित बेरोजगार नवयुवक है जिनका घर बार आज इसी काम के ऊपर में चलता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कार्रवाई न करें और हमको आपकी जो भी फीस होती है सरकारी फीस वो फीस लेकर के अगर हमको यहाँ बैठ के इस काम करने को बढ़ावा मिले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। मेरा नाम गौरव मेहता है। आज से 4 साल पहले तक हम अंदर रुकते थे पर जब से काम ऑनलाइन हो गया है तो साहब लोगों ने हमको बोला कि ऑनलाइन वालों को अंदर कोई जगह नहीं है, आप हमारे प्रीमाइसेस से बाहर चले जाइए। तब से हम लोग बाहर गाड़ियाँ लगा रहे हैं और गाड़ी के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत से लोग हैं जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरते नहीं आता है या खेड़े पाड़े के लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर ही नहीं समझता है, तो ऐसे लोगों का हम फॉर्म भर के उनकी हेल्प करते हैं। दूसरी बात, पहले हम रोड के साइड में गाड़ी लगाते थे, आगे तक गाड़ी लगाते थे, पर जैसे हमने देखा कि न्यूज़पेपर में हमारी शिकायत आ रही है कि भाई आपके वजह से अतिक्रमण हो रहा है या लोगों को तकलीफ हो रही है, तो हमने सबने पीछे सरक लिया, एक लाइन में गाड़ी लगा रहे हैं, सबने यूनियन बना ली। सामने हमने एक वॉचमैन भी लगाया था रोड के ऊपर जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। आज 15 दिन से हम हमारे सब नियम के अंदर हम काम कर रहे हैं जिससे किसी को भी शिकायत ना हो, फिर भी हमारे ऊपर यह कार्रवाई की गई। तो आप लोग क्या डिमांड करते हैं? हमारी ये डिमांड है कि कोरोना काल से पहले ही सबको बहुत तकलीफ हुई है 4-5 महीने से। अब कहीं पर जाकर हमारे लाइन लग रही थी, थोड़ा थोड़ा बिजनेस आना शुरू हुआ था, तो ये अतिक्रमण की वजह से हमारे पेट के ऊपर लात पड़ी है, सबको तकलीफ है, खाने पीने के वांदे सबके। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ पर हम हमारे गाड़ी में ही बैठकर काम करते हैं, कोई अतिक्रमण नहीं करता है, कोई तंबू वगैरह नहीं है, कोई बांधकाम नहीं कर रहा है, तो हमको यहाँ बैठने दिया जाए। हम सुबह गाड़ी लगाते हैं, शाम को हम यहाँ से निकल जाते हैं, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं होता है यहाँ पर, और हम रोड से काफ़ी अंदर है जिससे रोड को और ट्रैफिक को कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो हमको यहाँ बैठकर हमारा धंधा करने दिया जाए, ये हमारी सबसे विनती है। इस बीच में ये बताते चलूँ कि बंटी जोशी नाम के नगर सेवक है जिन्होंने इस बारे में एक कंप्लेन की थी महानगर पालिका को और शायद RTO साहब के पास भी कंप्लेन की गई हो, लेकिन चूँकि ये प्रीमाइसेस महानगर पालिका का इसलिए RTO तो कुछ कर नहीं सकता, तो शायद इसलिए मनपा के उपायुक्त महोदय यहाँ पर आए और उन्होंने कार्यवाही की। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक्चुअल में जो गलत होता है उसको रोकना चाहिए, सरकारी अधिकारी भी उसी लिए होता है, लेकिन किसी के बोलने का इंतज़ार क्यों? कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप अतिक्रमण जो आपको दिख रहा है नज़रों से उस पर भी कार्रवाई करिए ना। सिर्फ जो लोग शिकायत कर रहे हैं किस फायदे और किस द्वेष से कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन वो शिकायत कर रहे हैं और आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या आप जनता के लिए नहीं उनके लिए काम कर रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय जो जलगांव में भी आए हैं अभिजीत राउत, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और परिस्थितियों को संभालने वाले हैं। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये उनको भी बताना चाहूँगा कि यहाँ आइए, आपका घर यहीं से रास्ते में पड़ता है, एक बार आइए, घूमते फिरते आइए और यहाँ देख कर जाइए कि क्या यहाँ पर कोई काम करने से अतिक्रमण होता है। अगर ये खाली जगह है
तो इन लोगों को रोजगार करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं सरकार की ओर से? कोई फीस तय कीजिए, इनको ये जगह दीजिए, ये लोग उसका यूज़ करेंगे। इनसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाइए कि जब चाहिए आपको यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर दियो तो ये लोग उस चीज़ को खाली कर देंगे। कानूनी जो व्यवहार है वो कीजिए, लेकिन इनका रोज़गार छीनने से क्या होगा? ये खाली ज़मीन है, इस खाली ज़मीन का कुछ उपयोग अगर रोज़गारी के लिए हो सकता है कानूनी तरीके से, तो ज़रूर हेल्प करनी चाहिए जिलाधिकारी महोदय को। आज जलगांव में परिस्थितियां ऐसी है कि गाड़ियां ज़्यादा हो चुकी है और सड़क कम हो चुकी है, पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं हैं। इस जगह पर ये जो सड़क है, ये सड़क DSP चौक से लेकर सिरसोली नाके तक जाती है। इस रास्ते में इतनी भीड़भाड़ नहीं होती है, लेकिन गोलानी मार्केट में जो पार्किंग है वो है ही नहीं। कोई पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाता है, सड़क के ऊपर गाड़ियां खड़ी होती है। और जो नए शोरूम्स बने हैं उस शोरूम्स में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अतिक्रमण वहाँ है, उसको तो पहले निकालिए। आप महानगर पालिका से इतनी दूर अतिक्रमण पर कार्यवाही करने के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो आपके सामने आसपास जो अतिक्रमण है पहले उसको निकालिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, नो डाउट। आप शहर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के अतिक्रमण निकाल रहे हैं, आप निकालिए। और सिर्फ इनका ही नहीं, जलगांव में जितने भी अतिक्रमण हैं उसको निकालने के लिए एक मुहिम चलाइए। मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन आयुक्त बन जाइए, लेकिन सभी चीज़ों के साथ एक जैसा न्याय कीजिए। लोगों की यहाँ भावनाएं जो है, जो लोग मुझसे बात किए उनकी भावनाओं पे विचार अगर किया जाए तो इनकी भावना यही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है, सरकारी अधिकारी रोज़गार छीन रहे हैं, आखिर ये लोग किसके पास जाएं? देखना है कि हमारी इस रिपोर्ट को देखकर कुछ कार्यवाहियाँ होती है या नहीं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और इस पर कार्यवाहियाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर ये सही है जो हम बता रहे हैं तो इस पर कार्यवाही ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट आप किसी को रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो छीनने का अधिकार भी आपको नहीं होना चाहिए। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।